आजान लंबित हुजो कनकावदातु संकेतनैक पितरो कमलाहिताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजम् सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषि तवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वरानसीपुरपति भजवीशनाथम वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते ते संविहित त्वं नृसिंहमहमजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे निवृत्त नितरां भुमान असदेन्द्रिय दर्शनात् जेन संभाष्यमानेन प्रपन्यान्धं तमः प्रभु गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए यही जड़ जगत का जितना सारे आकर्षण और विकर्षण धर्म हैं ये सब आकर्षण और विकर्षण धर्मों से हमको बाहर जाना है। ये सब आकर्षण का बाहर जाना है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जगत गुरु जी ने बताए ये जगत का जो आकर्षण विकर्षण का धर्म है ये सब आकर्षण विकर्षण से हमको छुटकारा मिलना जरूरी है। कपिल जी महाराज के सामने देवाहुति मैया बड़ा विनती करके ये निवेदन कर रही है ये जगत का जितना सारे आकर्षण है असतेंद्रिय तर्शनात् हमारा जितना सारे इंद्रियां हैं तमाम इंद्रियों का एक एक अलग अलग सा तृष्णा है डिमांड है। जेनो संभाष्यो मानेनो प्रपन्यान्धं तमः प्रभु और ये सब इंद्रियों का जितना सारे चाहत है डिमांड है ये सब फुलफिल करते 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 मैं थक गया हूँ अभी भी इन लोगों का पूर्ति नहीं भई पूर्ति नहीं भई। प्रपन्यान्धं तमः प्रभु अपना लड़का को समझ गया ये भगवान है इसलिए लड़का नहीं कह रहा इसलिए कह रही है भूमन हे भगवान
अभी ये समाम तमाम इंद्रियों का जो इतना सारे बदमाशी है, सारे अंतिम में मेरे को अंधेरा में डाल दिया, अज्ञान में। प्रपन्यान्धम तम महाप्रभु, अब कहाँ करे, क्या किया जाए, यही बताओ आप। प्रभुपाद जी ने भी ये कह रहे हैं कि ये जो जगत का जो आकर्षण विकर्षण का धर्म है, ये आकर्षण विकर्षण से हमको बाहर जाना है, ये आकर्षण विकर्षण का बाहर जाना है, नहीं तो कभी भी मंगल का रास्ता नहीं खुलेगा। ये जगत में बड़ा मुश्किल से साधु का संग होता है, ऐसा नहीं कि पैसा फेंकने से साधु मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पैसा फेंके और साधु मिल जाए। बिनु सत्संग तरई न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सही, ये संभव नहीं है। ये अक्सर ये दुनिया में अपराकृत राज्य का वास्तव साधु का साक्षात्कार हमको हो जाएगा, ये संभव नहीं, बहुत कम, बहुत तकदीर अच्छा हो तो हो जाता है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जगत में साधु मिलना बहुत मुश्किल है, इसी वास्ते इसीलिए चैतन्य महाप्रभु साधु का वेश पकड़ के आए। साधु पावा जगते दुर्लभ जानिया, साधु गुरु रूपे गौर आइला न दिया। साधु मिलना सचमुच बड़ा मुश्किल, या तो त्यागी ज्ञानी मुमूर्षु, ऐसा जटाधारी कलाधारी एकाहारी इन धुनी बाबा फलाहारी बाबा मौनी बाबा ये सब मिलेगा, लेकिन वास्तव साधु जिसका जीवन जिंदगी भगवान का सेवा संतुष्टि विधान के लिए एकदम समर्पित है, कितना सारे साधुओं का ये भारत में या बाहर में कितना सारे हल्ला गुल्ला हो गया साधु, समझा। जब प्रभुपाद पकड़ थे तो प्रभुपाद जी कितना बड़ा साधु है किसी को पता नहीं था, बाहरी आदमी सब जटाधारी कलाधारी इसको लेके नाच रहा है, हैं गोरखपुर प्रेस हैं इसमें प्रभुपाद लिखा दिया, लिखा नहीं मंगा था, लेखा दिया तो छापने का हिम्मत नहीं हुआ पूरा, तो साधुओं का सब छपता है, बड़ा बड़ा तिलक लाल टीप जटाधारी, अरे बाबरा जटा में फूल लगा दिया कितना बड़ा मीठा, लेकिन असली मंगल का रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। कितना आदमी समझा कि इतना बड़ा साधु अनंत ब्रह्मांड में सुदुर्लभ है भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद, क्या ये सब लोग वृंदावन के ये सब उठाता है साधु का बात, बिल्कुल नहीं उठाते, गौड़िया मठ का बात ही नहीं उठाते, बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद का बात तो छोड़ो, वो सोचता ही नहीं गौड़िया मठ में साधु रहता है, इतना छागल है, कभी उठाता नहीं, वो जाने उठाने से हम नंगा बन जाए, गौड़िया मठ का एक एक सिद्धांत तो बताने से हम नंगा बन जाएंगे, इसलिए बताते नहीं, मीठा मीठा बोली बोलते दुनिया भर का हैं भक्तमाल का गप, सिद्धांत तो कुछ नहीं। इसलिए साधु ज्यादा नहीं मिलते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगत में साधु मिलना मुश्किल है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपना साधु का बेस बना के जगत में आए दिखाने के लिए। और गुरुजी अक्सर बोलते थे, प्रभुपाद भी ऐसे ही बोलते थे, जे पवित्र चैतन्य महाप्रभु का समय जितना सारे भक्त लोगों का
सेवा का व्यवहार, प्रेम की बातें, महाप्रभु का साथ संबंध, ये सब भक्तगणों का जो कथोपकथन, आपस में बातचीत और लीला, ये नित्य ग्रंथों में नित्यकाल है, क्योंकि ये नित्य पार्षद है। हमारा लगता है कि 500 साल पहले महाप्रभु आए भक्तों लग, लेकिन ये नित्य जगत का है, लीला नित्य जगत का है। ये सब चर्चा करने से बहुत मंगल हो सकता है। यदि अगर हम लोग भगवत कथा कीर्तन लेके व्यस्त रहे तो अमंगल होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर हम लोग भगवान का कथा लेके व्यस्त रहे तो उसमें अमंगल का कोई रास्ता नहीं, मंगल जरूर हो। कोई किस्म का मुसीबत हमको कुछ नहीं डरा सके। हम जहां भी रहे, जहां भी जैसे भी रहे, और संसार में रहते हुए सारे काम करते हुए भगवान, भगवान का कृपा, भगवान का कथा, भगवान का कथा सुन के कीर्तन करके भगवान का कृपा लेने का प्रयत्न करे, भगवान का स्थिति बना के रहे, भगवान का भक्त का बातें चर्चा करते रहे, तो इसमें कभी अमंगल होना संभव नहीं। भगवान अपना भक्तों को जिस अवस्था में रखने का इच्छा प्रकट करते, उसी अवस्था में भक्त लोग सुखी रहते हैं। जिस अवस्था में भगवान भक्तों को उनको रखना चाहते हैं कि उसी में खुशी। सत्संग अर्थात साधु संग और हरि कथा चर्चा करते 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 हृदय में भगवान का सेवा का वृत्ति का उन्मेष हो जाने से, हो जाने पर सर्वदा भगवत स्थिति, भगवत स्मरण संभव है। ये जो जड़ जगत है, ये जो जगत है, ये परीक्षा स्थान है। भगवान ने हमारा परीक्षा लेने के लिए ऐसा स्थान बनाए, और भगवान छुपके से रहता है, और ये जगत हमारे लिए बनाए हैं परीक्षा स्थल, जिसमें जितना सारे परीक्षा मुसीबतें आते रहे, उसमें अगर हम फूल पेशेंसी का साथ, धैर्य का साथ मुकाबला करे, भगवान भगवत स्थिति को कायम रखे, तो ठीक है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके पीछे भगवान का कृपा छोड़ के कुछ नहीं है, ऐसा सोचना जरूरी है। ऐसा सोचने से कभी दुख नहीं सताएगा। जीव तत्व का बारे में फाइनल चर्चा हो रहा है, इसमें इसमें तत्स्थ जीव, ये चिन्मय जगत का सेवा का भी अधिकारी बन सकता, और माया जगत का भी सेवा में डूब सकता है। ऐसा करके हमारा सामने एक बड़ा परीक्षा चल रहा है। ये परीक्षा में अगर पास हो जाए तो ठीक है, और पास नहीं हो पाए तो जब गया माया हार भगत। भगवद गीता का ये चर्चा हो रहा था, छठा 6 चैप्टर का। वहाँ 25 नंबर श्लोक अंत हुआ,
वहां बताया गया था शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहत्वया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। यहाँ शनै शनै बोला धीरे धीरे करना, जल्दीबाजी मत करना। जल्दीबाजी करने से विषय से तो मन हटाने का, जल्दीबाजी करोगे तो अनंत काल का अभ्यास है, विषय का साथ संयोग है, उसमें मस्तिष्क को विकृति होने का चांस है हर हालत में, इसीलिए जल्दीबाजी करना जरूरी नहीं। अपवदानंद सरस्वती पाद का बात उठाया था काल, जुक्ता आहार विहारस्य जोगो भवती दुक्षहा। और हमारा गौड़ीय मठ का बात है, गौड़ीय सिद्धांत तो युक्त वैराग्य, हमारा गौड़ीय मठ का विचार है युक्त वैराग्य। ये प्रिलिमिनरी है, जो भी चर्चा है युक्त आहार विहारस्य, ये भी युक्त है नो, फाइनली तो ये है गौड़ीय मठ का जो गुप्त रहस्य है युक्त वैराग्य कब आती है। और जोर जबरदस्ती करने जाए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि नॉन निर्विन्नो नाति सक्तो, नॉन निर्विन्नो इसका दिल में घृणा भी नहीं है, नॉन निर्विन्नो नाति सक्त, नॉन निर्विन्नो नाति सक्तो भक्ति योगो अश्व सिद्धि तो कश्यो, जिसका अंदर में विषय के लिए घृणा भी नहीं पैदा हुआ और आकर्षण भी कुछ नहीं है, चलो भगवत सेवा में लगे तो लगे। ऐसे तो दान दक्षिणा लेने से अपना हृदय का जो वृत्ति है संकुचित हो जाती। पतिग्रहों में अपना भजन बल देना पड़ेगा, कोई अगर प्रतिग्रह करे हमको रुपया दो पैसा दो ये दो फलाना दो, ये प्रतिग्रहों का जो विषय है दान दक्षिणा लेने से अंतर्वृत्ति संकुचित हो जाती है। लेकिन जो महा महापुरुष जो है प्रभुपाद जैसा हमारा गुरु व माधव गोस्वामी, ये लोगों का कुछ नहीं होता, क्योंकि ये लोग जो दान दक्षिणा लोगों को दे जाते हैं इसमें जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है, एक बूंद भी इसमें दिलचस्पी नहीं है, जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है, आकर्षण नहीं, कुछ नहीं, बस देखे गया ठीक है चलो लगा दो, देखे गया ठीक है लगा दो ठाकुर के सेवा में। इसीलिए हर आदमी के लिए संभव नहीं, पावरफुल जो पहुंचा हुआ संत है भगवान छोड़ के किसी चीज का साथ इसका संबंध नहीं है, इसका लिए संभव है। ये 64 मठ बनाते हुए भी प्रभुपाद निष्किंचन है, इतना बड़ा आचार्य होने से भी निष्किंचन है। और जिस साधु का बैंक में 1 लाख रुपया रहे वो तो कहने क्या, वो तो हो गया उसका आकर्षण, आकर्षण में ही गया डूबा। और कपिल जी महाराज के सामने देवाहुति जी कह रही है कि इतना सारे अश्वतिंद्रिय तर्षणा हमको मारा गया, हम तो शेष हो गया खत्म, निवृत्त नितरम भूमन अश्वतिंद्रिय तर्षणात् जेनो संवत्समानेनो, निवृत्त नितरम भूमन अश्वतिंद्रिय तर्षणात्। नितरम ने कंटिन्यूसली, हम इसका जो अश्वतिंद्रिय है इंद्रिया का जिसका सारे डिमांड है मांगे हैं, जितना सारे मांगे हैं हम पूर्ति करते रहे, इसलिए पूर्ति नहीं भाई,
और मेरा आज ये हालत है, अब आप बचाओ। जेनो संबस मानेनो प्रपन्यान्धम तमह बम, नरक में एकदम तमो तमो अवस्था में गिर गई। काल ये सब चर्चा हुआ कि अगर जल्दीबाजी करे तो मस्तिष्क को विकृति हो सकती है, लेकिन शुद्ध भक्ति का जरा सा भी एक बूंद टेस्ट मिले, शुद्ध भक्ति का जरा सा भी टेस्ट मिले तो अनन्य भजन कारी व्यक्ति का कभी सत्यानाश नहीं हो पाता। टेस्ट मिल गया, टेस्ट मिलने से कभी मस्तिष्क को विकृति हो ही नहीं सकता। मस्तिष्क को विकृत क्यों होता है, क्योंकि चाहत है इस तरफ, अजार है इस तरफ, जोर जबरदस्ती, इसमें मस्तिष्क को विकृति होने का पॉसिबिलिटी है। और हमारा भक्ति राज्य में प्रभुपाद जी ने बताया कि नॉन निर्विन्न नाति शक्तो, भक्ति जो किसका सिद्धि होने का चांस है, नॉन निर्विन्न नाति शक्तो, जिसका निर्विन्न भाव नहीं है, घृणा नहीं है विषय में और दिखाने वाली इच्छा नहीं है। फॉलो, जैसे विद्यानिधि, विद्यानिधि दिखा नहीं रहा है, इतना बना के रखे है बाहरी बाहरी चमकीला जो एनवायरनमेंट बना के रखे है। अरे बाप, एक महाराजा महाराज ऐसे सोते हैं, दूध का जो फैन है ऐसा मापिक बिस्तारा है, पीलो है उसमें गद्दी, और बाल है बड़ा एकदम पॉलिश किया हुआ है, और पान चबा रहा है, पिगदानी है, जैसे महाराजा, दिखाना नहीं है कि हमारा अंदर में बैराग्य है। पहले भी चर्चा किया याद है, भक्ति परेशान भव विरक्तिर अन्नत्र चैषती को एक कालहा प्रपत्त मानस्त सु खुद हैं, ये जो श्लोक बताया था सुंदर, भक्ति रहने से वैराग्य स्वाभाविक है, और वैराग्य दिखाने से भक्ति कभी नहीं है, कुछ नहीं है, भक्ति होने से सारे ऑटोमेटिक हो जाता है। इससे नॉन निर्विन्न नाति भक्ति योग अश्व, वो व्यक्ति का भक्ति योग सिद्धि हो पाता है जिंदगी में, जिसका विषय में आकर्षण भी नहीं है, घृणा भी नहीं। अघिना क्यों करे, तमाम वस्तुओं को भगवत संबंध जोड़ दो, तमाम वस्तुओं को भगवत संबंध जोड़ दो तो हो गया छुट्टी। और कोई हमारा कोई रिएक्शन आने का कोई चांस ही है नहीं। निवृत्त नितरम भ्रमण असदिंद्रिय दर्शनात् जेनो संभासमानेन प्रपन्नानं तमः प्रभु। हमारा प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने बताए जे हमारा एकदम जो कठोर वैराग्य जो है, ये सख्त माना है, सख्त माना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो लोग करने गया भक्ति तो नहीं मिली, और सपनाश भी है, सत्यानाश भी हो गया। कभी भी हमारा शिक्षा गुरु श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कभी दर्शन करने घुसो, घर में देखोगे एसी चल रहा है, और उसका बाद देखोगे बेड स्टेट इतना सुंदर है, बोले कि कितना कीमती है, लेकिन आपको जानकारी है नहीं। महाराज जी एक चटिया बिछाकर जमीन में सोते थे, और अपना दंड, अपना जो तिरंड है दंड को, ये जो चौकी है इतना हजारों रुपया खर्चा के उसका अंदर सुला देते थे अपना तिरंड को। किसी को पता नहीं, हमको पता है, किसी को पता नहीं। वो सोचता है महाराज जी बाप रे बाप, हाँ कुछ नहीं, जमीन में एक चटिया बिछा के, मंदूर बिछा के, मैट बिछा के सो जाते थे।
वो भी पिलो भी नहीं है, हाथ हाथ को तकिया बना लिया हाथ को। तो ये महाजनों का जो वैराग्य है इसको नकली नहीं करना है। माधव गोस्वामी महाराज के जो वैराग्य है उसको कोई नकली करने जाए तो वो मर के ही रहेगा। अरे महाराज जी गाड़ी में जाते थे, हम भी ले लेंगे गाड़ी। महाराज जी का जो वैराग्य, श्रीधर गोस्वामी महाराज बोलते थे ये माधव गोस्वामी महाराज के लिए नशी, नशी अंत हो स्नफ, जो नाक में टबाकू है ना लगाता है ना। एक हमारा गुरु वर्ग ने बोला अरे माधव गोस्वामी महाराज का सब ज्यादा ज्यादा है, ये सब है दिखावा है बड़ा। श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोले नहीं, ये हाथी का लिए कुछ भी नहीं है, मक्खी के लिए बहुत है, ये हाथी है कुछ भी नहीं। तो इसका वैराग्य जो है, हम श्रील माधव गोस्वामी महाराज के खानदान का है एक आदमी हूं ना, मैं तो विचार करके चलने वाला, जो भी है युक्त वैराग्य। तो ये जो है महाराज जी जो करते थे, हम इसका नकली नहीं करना, हमको इच्छा ही नहीं। श्रीधर गोस्वामी महाराज उबर खुट पड़ते थे, वो हम नकली करने जाए तो हम मरेंगे। ये तो महापुरुष है, अलग है। तो महापुरुष का नकली करना निषेध है। बामन गोस्वामी महाराज जी जानते थे अगर हम गाड़ी ले ले तो हमारा शिष्य बोले महाराज गुरु जी का गाड़ी है हम भी ले लेंगे, अरे हम लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं, लोकल ट्रेन में चलो हैं प्रभुपाद जी भक्ति में लोकल ट्रेन में चढ़ते थे, क्या करे नकली करेगा आदमी। बामन गोस्वामी महाराज लिया नहीं, बोले नहीं हम ट्रेन में चले जाएंगे, हम लेंगे नहीं, तू रख लो गाड़ी। क्रिया सक्तान धीक धीक विकट तपसो धीक च जमीन धीगोस्तु ब्रह्म हम बदन पर फुल्लान जड़ो मूर्तिनो किम एतानो सोचामो विषय रस मत्तानो नरो पशुन न केसांचित लेशोपि अहह मिलित गौर मधुनो। टोटल शोक का चर्चा करने का दरकार अभी है नहीं, गीता का चर्चा करें जितना जरूरी है उतना। क्रिया सक्तानो धीक धीक विकट तपसो धीक च जमीन, बस इतना ही काफी। जो क्रिया कर्म में कर्म कांडी में व्यस्त है उसको धिक धिक्का। क्रिया सक्तानो धीक उनको धीक दे दे, और धीक विकट तपस्या जो विकट तपस्या उग्र तपस्या में लगे रहते हैं बिना कुछ सोचे समझे, भक्ति क्या चीज है, सेवा क्या चीज है, छागल का माफी, ओ धीक विकट तपस्व धीक च जमीन। विकट तपस्या वाले को धिक्कार दिया गया, बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों करें हम, हमको क्या चाहिए, भक्ति चाहिए ना, तो भक्ति चाहने से हमको कैसे चलना है। हमारा गुरु वर्ग जैसा देखा है युक्त वैराग्य का रास्ता, अनासक्त विषयान यथार्हम उपयुञ्जत ये और प्रपंच कथया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तु न, ये दो श्लोक का चर्चा बहुत बार हो चुका है, ध्यान देना। यहाँ जो शनै शनै रूप रमेद बुद्ध्या धृति गृहतया आत्मस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतय, इसका बारे में चर्चा हो चुका है। कल यहाँ तक पहुँच गया था, भगवान यहाँ दिखा रहे कैसे कैसे हमको यूनो कर्म योग अलग है, उसका बारे में तो पहले चर्चा किया, ज्ञान योग अलग है, ये ध्यान योग है। ये जो समाधि ये कैसे अभ्यास करना जरूरी है, ऐसे तो हम पहले भी काल भी कह चुके हैं कि शुद्ध भक्ति के रास्ते में ये सब जरूरी है नहीं, क्योंकि ये लोगों का हमारा गुरुवर्ग जो है भगवान का निजीजन जो है सिद्ध महात्मा, इसका वैराग्य स्वाभाविक है,
आज हमारा गुरुवर्ग का जो ध्यान है ये स्वाभाविक है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने बार बार कहे ये देखो हमारा संकीर्तन करना ये सबसे बड़ा यज्ञ है, नाम संकीर्तन हरिकथा हरि कीर्तन, हमारा हरिकथा कीर्तन सबसे बड़ा ध्यान है, हमारा हरिकथा कीर्तन सबसे बड़ा अर्चन है, सारे प्रभुपाद देखा इसी में सब है। और हमारा गुरुवर्ग का ध्यान के लिए एक सन्नाटा जगह में जाके आंखें मूंदने का जरूरी नहीं पड़ता, क्योंकि आंखें खोल के ध्यान हो जाता है। जैसे राधा रानी गोपियों का आंखें खुल के ध्यान होता है, ये सबसे बड़ा ध्यान है, हैं ये सबसे बड़ा ध्यान ही है। आम आदमी को पता नहीं है इस बारे में। तो समाधि अभ्यास कैसे करना चाहिए, काल इस बात को उठाया था। पहला प्रश्न है सर्व प्रकार का कामना वासना का त्याग देना, निश्चित त्याग करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है मन के द्वारा इंद्रियों समूह को विषय से प्रत्याहार करना जरूरी है। इंद्रियों के साथ मन का सहयोग अगर ना बने तो काहे का एंजॉयमेंट कुछ से बने। मन सहयोग ना करे, मन अगर नॉन कोऑपरेशन करे तो इंद्रियों का जो अपना अपना काम नहीं हो सकता। इंद्रिय समूह को विषय से एक एक रेस्पेक्टिव इंद्रियों को आंखों का आकर्षण है रूप देखना, त्वचा का आकर्षण है एकदम कोमल चीज को स्पर्श करना, और हमारा कानों का श्रवण इंद्रियों का आकर्षण है अच्छा बुरा सुनना। ये मन के द्वारा तमाम इंद्रियों को विषयों से प्रत्याहार रिटर्न कराना, कम बैक। अगर चक्षु दर्शन भी करते रहते चोक तो फोर नहीं देंगे, चोक आंखें हैं, आंखें रहते हुए भी हमारा दर्शन खोटा नहीं है, ये तो पक्का बात है। इसी में ही हमारा भजन का रहस्य है, समझा, जोगी का चक्षु दर्शन करे तो करे। जैसे गौरकिशोर बाबा जी महाराज गंगा का ओर देखते रहे और मन ही मन कुछ कहते रहे, और बदमाश बालकों ने बोलने अरे बाबा क्या देख रहा है, माताजी लोग स्नान कर रहे देख रहे हैं, अरे छागल कुत्ता, बाबा का दर्शन ऐसा है, बाबा देख रहे गंगा खाओ और वो सोच रहे कि लड़की का नहाना देख रहा है। जो जैसा है तो वही तो सोचेगा, जिसका अंदर में जो है वही तो होगा और क्या होगा। ऐसा ही है, बाबा उधर देखते रहे मन वृंदावन में जमुना देख रहे। तो चक्षुआ का दर्शन करे तो खराबी क्या है, लेकिन मन उसमें सहयोग में नहीं है तो उसमें देखने भी से दिखना नहीं है। बाबा उधर देख रहा है फिर भी नहीं दिख रहा। हमने ऐसा बहुत महापुरुष दो एक देखे हैं, सत्य गोविंद महाराज आदि, सेवा करने का भी थोड़ा बहुत सुयोग मिले, बड़ा आनंद। हम देखते रह गए बाबा का, हमारा गोविंद महाराज जी का दर्शन है सुन्न दृष्टि, वैकेंट आइज, लगता है कि देख रहा है कुछ नहीं देख रहा है, सुन्न दृष्टि। ये प्रैक्टिकली हम अगर नहीं देखे होते हैं तो हमारा डाउट होता। अभी हमारा जिंदगी में ये महापुरुष का जो कृपा है यही मेरा सबसे बड़ा संपत्ति है, और मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरा पास, यही संपत्ति है। न जाने क्यों ये लोग कृपा किए अयोग्य व्यक्ति पर। तो मौन अगर साजग ना करे तो दर्शन करने का बावजूद भी दर्शन नहीं हो पाता। इसके द्वारा ऐसे ही मन का
द्वारा इंद्रिय संयम संभव है। आंखों को फोड़ दे उसमें तो कुछ नहीं होने वाला, क्या होगा, अंदर में तो विषय आते रहे अंतर चक्षु में। बिल्ल मंगल ठाकुर जी ने अपना दो आंखें फोड़ दी कांटे लगा के और खून ही खून निकल रहा है और रोते रहे ठाकुर जी का नाम लेके, बस हो गया ठाकुर जी का कृपा। तो ये है पहला है कि सर्व कामना निशेष में त्याग करना जरूरी है, मन के द्वारा इंद्रियों को विशेष से हटाना है। तीसरा बात है तत्पर धृति संयुक्ता बुद्धि के द्वारा मन को भी अंतर्मुखी बना लेना। मन का काम है संकल्प विकल्प और बुद्धि का काम है निर्णय लेना, किसी विषय पर निर्णय लेना ये मन का काम, बुद्धि का काम है। बुद्धि अगर सती सद्बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि जो है अच्छा बुरा निर्णय करता है, नित्य अनित्य नित्यानित्य विचार करके मन को सत मार्ग पर चलाने का कोशिश भी कर सकता है मन, यही बुद्धि। मन को सत मार्ग पर चला सकता है बुद्धि, इसी का नाम है सात्विक की बुद्धि। धृति शक्ति मन को बहिर्मुख होने से रोकता है और अंदर में धारण करता है, चेक कंट्रोल करता है, यह सात्विक की धृति। यही धृति युक्त बुद्धि के द्वारा चित्तों को निरुद्ध करना जरूरी है। समझा मेरा बात, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसीड्योर। लेकिन शनई शनई धीरे धीरे जल्दबाजी करो, सहसा चित्त वृत्ति निरोध का चेष्टा करने जाओ तो मस्तिष्क को विकृति हो जाए, ऐसा बहुत केस है, मस्तिष्क को विकृति हो गया। इंद्रियों का साथ कंपटीशन करना हटकारी था, अतः जिद्द करना उचित नहीं, उसको फ्री रख दो। भक्ति योग का नियम है मन उत्पटन करे तो करने दो, ठीक है, तो आप सेवा में लगे रहो, कथा सुनो, धीरे धीरे मन अपने आप चुप हो जाएगा। वो कुत्ता का माँ भी घेऊ 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 करते रहे, अपने आप चुप हो जाएगा। तुम उधर देखो, मन को करने दो जी चकर, और आपका धृति युक्ता जो बुद्धि उसके द्वारा भगवान का चिंतन में अच्छा निर्णय में लगो। धीरे धीरे मन दौड़ते 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 टायर्ड हो जाए और चुप हो जाए, या चित्त वृत्ति निरोध हो जाए। लेकिन जोर जबरदस्ती करने जाओ तो ये मन जो है, दो दिन पहले चर्चा का था, बीजी तो ऋषि को भाई भीरादंत मुनस्तुरागम, ये मन तुरग अतः हाथी का मावे, तुरग मतलब घोड़े, पागला घोड़े का मापिक व्यवहार करता है, बिल्कुल नहीं होने वाला। जितना भी आप कोशिश करोगे आप फेल्योर हो जाओगे। ऑटोमेटिक कोई अच्छा चीज मिले तो उसी में लगाओ बुद्धि को, देखो धीरे धीरे मन भी कंट्रोल में आ जाए। चौथा नंबर है मन को निरत करके आत्मा में विलीन करना है। चौथा नंबर है मन को निरुद्ध करके आत्मा में विलीन करना जरूरी है। ऐसे स्थिति में, ऐसे स्थिति में मन निर्मल होके जब आत्माकार को प्राप्त करता है,
तब ही आत्मस्वरूप प्रतिभातो हो जाता है, ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं होता। इसी अवस्था में चिंतातीत भूमिका में जाता है, इसी अवस्था में कुछ किसी चिंता रहता ही नहीं, इसी अवस्था में कोई भी चिंता ही रहता नहीं, आत्मचिंता भी नहीं, क्योंकि चिंता जब तक रहे तब तक मन का अतीत होना सर्व, चिंता मन का धर्म है, और जब तक चिंता रहे मन का ऊपर जाना अतीत हो जाना संभव नहीं। इसी अवस्था में ध्याता ध्यान ध्येय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयो ये सब एकाकार हो जाता है। ध्याता ध्यान ध्येय या तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयो ये सब एकाकार हो जाता है, एक आत्मस्वरूप ही रहता है, तो चिंता कौन करेगा, चिंता का पूरा बंद है चिंता। ऐसा करके धीरे धीरे अभ्यास बनाना है, और योग शब्द बहुत सारे कारण हैं जिसका लिए योग शब्द प्रयोग किया गया, और इसी अवस्था में जहां चर्चा कर रहे हैं हम लोग ये योग के विषय, ये समाधि योग व निरोध योग, इसको समाधि योग बोला जाता है, इसको समाधि योग व निरोध योग बोला गया, और योग सूत्रों में ये लिखा हुआ है योगोश्चित्तो वृत्ति निरोधः, योगोश्चित्तो वृत्ति निरोधः, योग का मानी है चित्त वृत्ति निरोध करना। ये चित्त जो है, ये चित्त अवस्था के अनुसार पांच रूप धारण करते हैं। ये जो चित्त है ये अवस्था के अनुसार, अलग अलग अवस्था के अनुसार ये चित्त अपना अपना अवस्था के अनुसार पांच किस्म का हो सकता है चित्त का अवस्था। एक है क्षिप्त, इसी अवस्था में मन कामना कुलित होके विषय का ओर छूट भागते रहते हैं कामना वासना के द्वारा, ये क्षिप्त है। नाना विषय में नाना विषय का ओर भागते रहते हैं क्षिप्त, और मूढ़ो है, इसी अवस्था में मन तमो गुणाक्रांत होके मोह में अभिभूत हो जाता है। तो योगों का ये पांच किस्म का विषय जो है ध्यान के सुनना, और विक्षिप्त इस अवस्था में मन का चंचलता थोड़ा बहुत है, चंचला तो जरूर है, लेकिन फिर भी बीच बीच में मन अंतर्मुखी होने का प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए, इसी अवस्था में ये जो विक्षिप्त विक्षेपण विक्षिप्त इस अवस्था में मन का चंचलता रहने से भी ये मन जो है समय समय अंतर्मुखी होने का कोशिश में लगे रहते। यह साधन अवस्था का प्राक अवस्था, इसके बाद एकाग्र, इसी अवस्था में मन लक्ष्य विषय टारगेट पर स्थिर होते हो पाता एकाग्र, इस अवस्था में मन लक्ष्य वस्तु टारगेट पर टारगेट का विषय पर सुस्थिर हो सकता, और इसका बाद निरुद्ध हो, निरुद्ध अवस्था चित्त वृत्ति शून्य होके नहीं रहने का मुताबिक,
इसी अवस्था में चित्त वृत्ति शून्य होके मान मानो की ना रहने का मुताबिक है, ना थकर मतो, यही चरम समाधि अवस्था। यही चरम समाधि अवस्था, इसका बारे में इतना सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सारे भगवान बताए, प्रोसीड्योर बताए। इसी अवस्था में आत्मस्वरूप प्रतिभा तो हो जाता है। इसी अवस्था में जीवों का आत्मस्वरूप जो है प्रतिभा तो हो जाता है। इसी योग को राजयोग व अष्टांग योग भी बोला जाता है। इसी योग को राजयोग व अष्टांग योग भी बोला जाता है, नाम ही है। ये तो जो क्रिया कौशल के द्वारा मन को आत्मस्थ बनाना है, आत्मस्थ करके आत्मस्वरूप विकासित करने का संभावना है, इसका ही नाम जो। और इसको राजयोग व अष्टांग योग भी बोला जाता है। ये अष्टांग योग जो है, ये अष्टांग योग का अंदर भी बहुत सारे नियम है। ये अष्टांग योगों का नियम है आठ किस्म का, अष्टो अंग योग। अष्टांग योग मतलब आठ किस्म का अंग योग। ये अष्टांग योग में आठ किस्म का व्यवस्था है भजन का। ये आठ किस्म का एट फोल्ड जो व्यवस्था है अष्टांग योग, इसमें जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आई बात समझ में? जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब अलग अलग व्यवस्था है। यम किसको बोला जाता है? अगर ये पूछा जाए यम क्या है, यम मतलब अहिंसा सत्यो अस्तेयो ब्रह्मचर्यो अपरिग्रहो, ये तो पांच किस्म का जो है ये यम है। अहिंसा सत्यो अस्तेयो ब्रह्मचर्यो अपरिग्रहो, ये यम है। नियम के बारे में, आसन के बारे में, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग जो है इसका बारे में फोल्ड है। लेकिन पहले का ये जम बताया, जम क्या है, जम के बारे में लो, अहिंसा सत्य अस्तेयो ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इन सभी का नाम है अष्टांग योग का फोल्ड है। काय मन और वाक्यों के द्वारा किसी को क्लेश उत्पादन करना उचित नहीं। ये उत्पादन क्लेश अगर उत्पादन ना करने का नाम अहिंसा। काय मन वाक्यों के द्वारा किसी को क्लेश उत्पादन ना करने का जो इच्छा है वह अहिंसा। सत्य का मूर्ति, सत्य नाना मूर्ति, सत्य सर्व अवस्था है, सत्य कथा बोलना, प्राण वियोग समय भी प्रतिज्ञा भ्रष्ट नहीं होना, सार्थानुरोध में किसी विशेष परिस्थिति में सत्य को गोपन करना, असत्य बोलना, ये सब निषेध है।
असत्य वो अधर्म का पक्ष अवलंबन नहीं करना, प्राणबाजी लगा के अधर्मों का प्रतिरोध करना इत्यादि कई तरीका से ये किया जा सकता। वस्तुतः सत्य ही धर्म, असत्य ही तपस्या, सत्य ही सिद्धि, सत्य ही मुक्ति का पथ। सत्येन लभ्यस तपसा ही एषो आत्मा सत्यमेष जयति। ये मुंडक उपनिषद में आता है, ये सत्य गया, अहिंसा सत्य दोनों गया, अस्त्य मल अर्थो अचौर्य कर्मणा मनसा वाचा परद्वेषु निष्प्रिया, पराया माल अपना ये करना ये निषेध है। अस्त्य अर्थ अचौर्य, चोरी नहीं करना, कर्मणा मनसा वाचा परद्वेषु निष्प्रिया, परद्रव्य अपहरण नहीं करना, कभी चिंता भी नहीं करना, कर्म द्वारा वाक्य के द्वारा मन के द्वारा सर्वदा मैथुन त्याग के नाम ब्रह्मचर्य है। वही कोई किस्म का मैथुन है, ये सब निषेध है। स्त्री विषयक संकल्प, स्त्री का पुरुष विषयक संकल्प जो भी है, स्त्री विषय संकल्प, स्मरण मनन आलाप अश्लील ग्रंथ आदि पाठ, बहुत सारे नियम है, देखना ये सब निषेध है। किसी अवस्था में भी किसी को किसी अवस्था में भी कोनो अवस्थाई को किसी अवस्था में भी किसी को किसी का सामने दान नहीं मांगना अपने लिए, उपहार आदि ग्रहण नहीं करना, अपरिग्रह इसका नाम, क्योंकि दान ग्रहण करने से चित्तवृत्ति संकुचित हो जाता है, चित्तों का जो स्वाधीनता है विनष्ट होता है, मानुष हीन हीन नीचा हो जाता है, नियम का अंदर में आता है शौचो संतोष तपो साध्वायो ईश्वर प्रणिधान, नियम। शौच का मतलब बाह्य शौच, अंत शौच, जल मृत्तिका आदि द्वारा शौच बाह्य शौच, आ सच्चिंता जनित निर्मल चित्त प्रसाद ही अंत शौच का लक्षण है। जथा लाभे तिप्तो रहना, इस संतोष का नाम है। जथा लाभ में संतुष्ट रहना संतोष का लक्षण है। जब मिल जाए संतोष धन, सब धन धूल समान, जथा लाभे तृप्तो रहना ही संतोष का लक्षण है। संतोषी बाबा, व्रत उपवास आदि के द्वारा संयम का प्रतिपालन करना तपस्या है। व्रत उपवास आदि के द्वारा संयम का पालन करना यह तपस्या है। कठोर तपस्या का द्वारा इंद्रियों का शोषण करना गीता में अप्रूव नहीं है, अनुमोदित नहीं है।
मंत्रो जप वेद पाठ धर्म शास्त्रादि अध्ययन को साध्याय बोला जाता है। मंत्रो जप वाचिक उपांशु मानस जप समझा, कभी बोल बोल के करता है को उपांशु ओष्ठोधर कंपन मानस जब अंतकरण में जब करना ऐसा करके जप का बारे में बताया। जिस जप में केवल ओष्ठ स्पंदन होता है सुनना जरूरी नहीं, सुनना संभव नहीं है, इसका नाम है उपांशु जप। आज जिस जप में शब्द उच्चारित होता ही नहीं, केवल मन ही मन जप, और इसका संग मंत्रों का जो अर्थ है रहस्य है इसका चिंतन करना, ये मानस जप है। तो उच्च स्वर में जप करना ये वाचिक जप हुआ। तो ये सब बारे में हमने चर्चा किया। तो क्या कौन सी डिवीजन है? पहला है राजयोग, जिसको जिसका बारे में चर्चा किया हमने, ये अष्टांग योग बोला जाता है। ये ध्यान योग अष्टांग योग, इसमें आठ किस्म का जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये और जम का चर्चा करने गया। इसका जम का अंदर में अहिंसा सत्य अस्थि ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये सब जम का भी व्याख्या कर दिया। तो जम नियम आसन अभी आता है। आसन अष्टांग योग का आसन मतलब आसन जो फेमस तीन आसन है योग सूत्र में है, पद्मासन सुखासन स्वस्तिकासन, ये सब आसन हैं जी। सिंहासन भद्रासन पांच प्रकार का होता है, सिद्धासन पद्मासन सिंहासन ओ भद्रासन पांच, यह स्वस्तिकासन सर्वज्ञ का सहज है स्वस्तिकासन। जो जितना समय तक आसन में टिके रह सकता है वो आसन जय किया है माना जाता है। जो जितना समय तक आसन में एक अवस्था में बैठे रहने का अभ्यास बना लिया तो इसका नाम है आसन जय। प्राणायाम के बारे में जानते हो, रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम, इस सब के बारे में जानकारी है आपका। बाहर से अंदर से वायु बाहर फेंकना रेचक, बाहर से अंदर में वायु पूरण करना ये पूरक, और रोचक पूरक पूरा बंद कर दो एक अवस्था में कुंभक है, अर्थात कुंभक में वायु को शरीर का अंदर निरुद्ध करके रख दो। प्रत्याहार का माने पहले भी चर्चा की है, प्रत्याहार मतलब विषय का प्रवृत्त इंद्रियों समूह को बलपूर्वक प्रत्याकर्षण का नाम प्रत्याहार। मन के द्वारा इंद्रियों को विषय से हटा के ले आना इसका नाम प्रत्याहार। और तो जम नियम आसम प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा धारणा ध्यान समाधि, तीनों रह गया। अभी प्रत्याहार तक हम चर्चा किए और धारणा ध्यान समाधि, ये धारणा क्या है, ये धारणा क्या है,
पहले ठाकुर जी कह रहे हैं कि किसी जगह में मन को एकदम टिका कर रखना, एक जगह हृत पद में, भ्रू मध्य में, नासाग्र में, कोई भी हाँ एक जगह कंसेंट्रेट करके अटेंशन को धारण, किसी दिव्य कोई दिव्य मूर्ति, कोई दिव्य मूर्ति में चित्त आबद्ध रखने का धाम धारणा, किसी विशेष विषय में एकदम अटेंशन पूरा लगाना, इसका नाम धारणा। हृत पद में हो, हृत पद में हो सकता, भ्रुवर मध्य, नासाग्रे वा किसी दिव्य मूर्ति में चित्त आबद्ध रखने का, चित्त को चिपक के रखने का, एकदम स्थिर होके चित्त अबद्ध रखने का नाम है धारणा। और साधारण साधारण तो योग शास्त्र में ये धारणा का छह स्थान निर्णय किया, षट चक्र। और जे विषय में चित्त धारणा करना संभव हो जाता है, इसी विषय में कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप जो तैल धारा का ना चित्त के एकतान प्रभाव, उसका नाम ध्यान। समझा? जिस वस्तु का ऊपर ध्यान करना है पहले धारणा जमाओ, धारणा जब जम जाए, धारणा जमने का बाद निरवच्छिन्न तैल धारावत चित्त का एकतान एक ही वस्तु में चल रहा है, इसका नाम है ध्यान। अटेंशन इधर उधर नहीं जा रहा है। और ध्यान का परिपक्व अवस्था समाधि। और समाधि भी दो किस्म का है, संप्रज्ञातो सजीव समाधि, असंप्रज्ञातो निर्विज समाधि। संप्रज्ञात समाधि में ध्येय वस्तु का सम्यक ज्ञान रहता है, हम किसका ध्यान कर रहे हैं ये है, इसका अटेंशन है, चेतना में इसका है। संप्रज्ञातो समाधि में ध्येय वस्तु का सम्यक ध्यान हो जाता है। इसी अवस्था में चित्त वृत्ति संपूर्ण तिरोहित होना संभव नहीं, वहां कंट्रोलिंग होकर या कंट्रोलिंग होकर बीज रूप में सुप्त रहता है मान मात्र। इसीलिए इसको सजीव समाधि भी बोला जाता है। और असंप्रज्ञात समाधि में चित्त वित्त एक बार तिरोहित हो जाता है। समुदाय मानस क्रिया कलाप का विश्राम है, बिल्कुल स्टैंड स्टील, केवल संस्कार मात्र अवशेष रहता है। इसी को ही निरोध समाधि बोला जाता है। अष्टांग योग और गीतोक्त योग धारणार परिपक्व अवस्था ध्यान, ध्यानेर परिपक्व अवस्था समाधि, ये सब हो जाता है। जम नियम चित्त शुद्धि का उपाय, आसन प्राणायाम मन संयम का सहायक, शारीरिक प्रक्रिया, ये सब गीता में साधारण रूप में उल्लेखित है। पच्चीस नंबर श्लोक का बाद ये सब हम चर्चा करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि जरूरी है। छलांग लगा के जाए तो कुछ नहीं हो, पता नहीं चलेगा। सनी सनी रूप रमेत, ये श्लोक का हो गया। सनई सनई रूप रमेत बुद्ध्या धृति घृतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित हो गया। 26 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, अगले श्लोक में कह रहे हैं कि जतो जतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्तत नियमैतत् आत्मनेव बसम नयेत। यतो यतो
nischarati mana chanchalam asthiram tatahastato niyam maitad atmaneva basam nayet chanchalam asthiram mana chanchal asthir kisim ka man hai yato yato nischarati जो जो विषय में भागने का कोशिश कर रहा है ततो ततो एतत नियम तब तब ये सब विषय से हटाकर इसको वापस ले आना प्रत्याहार करना और आत्मनि एवा बसम नयेत आत्मा में ही स्थिर रूप से उसको चिपक के रखो। यतो यतो निश्चरति मनहस चंचलम अस्थिरम ततहस ततो नियम मैतत आत्मनेव वसम नहे आत्मनि एव वसम नहे आत्मा में ही इसको स्थिर करके रखना जरूरी है। हाँ मन स्वाभाविक रूप में चंचल है, चंचलं ही मनम कृष्ण आगे आएगा, मन से बढ़कर चंचल कुछ नहीं है। मन स्वभावतः चंचल है, इसीलिए अस्थिर होकर जिस जिस विषय में भागते रहता है उसी उसी विषय से उसको खींच के लाके प्रत्याहार करके आत्मा में ही स्थिर करके रखना जरूरी है। धीरे धीरे प्रत्यार करके आत्मा में ही स्थिर रखना जरूरी है। ये सब ये प्रत्याहार करना जरूरी है। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि ये श्लोक तो हो गया, यतो यतो ध्यान देके सुनने, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम मैतद आत्मनेव वसम नहि। ये अगले श्लोक में कह रहे हैं प्रशांतो मनसम हि एनम जोगिनम सुखमुत्तमम। प्रशांतो मनसम हि एनम योगिनम सुखमुत्तम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम अकलमसम। इसी प्रकार से योगी पुरुष, सिद्ध योगी पुरुष चित्त विक्षेपक रजगुण विहीन एवं चित्तलय के कारण तमगुण वर्जित होके ब्रह्म भाव लाभ करता है। ईदृशम प्रशांत चित्तो योगी को निर्मल समाधि सुख आश्रय करता है। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम अकलमसम। इसी प्रकार का योगी पुरुष का चित्ते चित्त विक्षेपक रजगुण विहीन एवं चित्त लय के कारण जो तमगुण ये सारे वर्जित है, वर्जित होके ब्रह्म भाव लाभ करता है। ईदृशो प्रशांत चित्त योगी को निर्मल समाधि सुख आश्रय करता है स्वाभाविक रूप से, ये बनावटी नहीं। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमसम। अगले श्लोक में बोला जुंजन नेवम सदात्मनम योगी विगत कलमसः
Sukheno Brahmo Sangparsam Atvantam Sukham Asnute. Evam, mane isi prakar se Atmanam. Pehle bola, Atma sabd mein parjabasik sabd mein man bhi aata hai. To isiliye evam isi prakar se Atmanam, atat man ko सदा जुंजन सर्वदा समाहितो करकर करके विगत कलमस योगी निष्पाप योगी सुखेनो अनायास सुखेनो मतलब अनायास वेरी इजीली ब्रह्मो संस्पर्शम अत्यंतम सुखम मश्नुते एरूपे सदा मन को समाहित बना के निष्पप होकर जोगी ब्रह्मभूत ब्रह्मानुभव रूप निरतिशय सुख लाभ के सुखों को प्राप्ति करता है. प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमसम सॉरी प्रशांतो मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांतो रजसम ब्रह्मभूतम अकलमसम आजुंजन एवं सदात्मनम योगी विगत कलमसः सुखेनो ब्रह्म संस्पर्शम अत्वांतम सुखम अस्नुते. इसी प्रकार से सदा मन को समाहित बनाकर निष्पाप होने के कारण ये योगी ब्रह्मानुभव रूप निरतिशय सुख को प्राप्त करता है. जुंजन एवं सदात्मनम योगी विगत कलमसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते. ये सब प्रोसीजर बताया, इसमें क्या लाभ है सब बताया. ब्रह्म संस्पर्शम सुखम, इसका माने क्या है? ब्रह्मण हो संस्पर्श हो साक्षात्कार तदेव सुखम. ब्रह्म साक्षात्कार रूप नित्य सुख होता है. अगले श्लोक में बताया सर्वभूतस्तम आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शी नः. योगयुक्तात्मा, योग के द्वारा जो समाहित चित्त पुरुष है सर्वत्र समदर्शन सर्वत्र समदर्शी होकर आत्मानम आत्मा को सर्वभूतस्त सर्वभूत में और सर्वभूतानी च आत्मनि इच्छते. तात्पर्य ये है एरूप योगी पुरुष, इसी प्रकार का योगी पुरुष सर्वत्र समदर्शी होकर आत्मा को सर्वभूते एवं सर्वभूत को आत्मा में दर्शन करने का जो टेक्निक है ये बताया गया. सर्वभूतस्तम आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन. जो हमको सर्वभूत में दर्शन करता है सर्वभूत में दर्शन करता सर्वभूतस्तम आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इच्छति योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः. ये योगी जो है सर्वभूत में अवस्थित तो हमको दर्शन करता है और
मुझमें सर्वभूत अवस्थित हो ये देख सकता है। ऐसा मापी कि अगर किसी बाबा है तो हम इसका अदृश्य होता नहीं, मतलब ये हमको देख सकता है, हम भी इसका अदर्शन दर्शन का विषय बन जाते और ये भी ये व्यक्ति जो है वह हमारा अदृश्य होता नहीं, मतलब हमारा नजर में रहता है, ये माने हैं। सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मन इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शिना, जो मांग पश्यति, पहले वाला श्लोक सर्वभूतस्तम आत्मन, सर्वभूत में मैं हूं इसको दर्शन करता है और हम में मुझ में सारी दुनिया को दिखता है, ऐसा में भी दर्शन वाले हैं ये हर वक्त हमको दर्शन करते, इसका अदृश्य मैं होता नहीं। सर्वभूतस्तम आत्म सर्वभूतस्तम आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, जो मान पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामी स च मे न प्रणश्यति, जो मान पश्यति सर्वत्र, समझा, जो हमको सर्वभूत में अवस्थित दिखता है, हम में सर्वभूत अवस्थित तो दिखता है, वो इसका दर्शन दृष्टि गोचर में रहता हूँ, अतः अदृश्य होता नहीं। आ सर्वभूतस्तम आत्मनम भूतानि सर्वभूतस्तम आत्मनम सर्वभूतस्तम आत्मनम सर्वभूतानि चात्मन इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, इसी प्रकार का योगी पुरुष सर्वत्र समदर्शी होकर आत्मा आत्मा को सर्वभूत में और सर्वभूत को आत्मा में दर्शन करता है। और अगले वाला सुख में जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वम चौमय पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामी स चौमे न प्रणश्यति, जो हमको सर्वभूत में दिखता रह दिखते रहता है और मुझ में सर्वभूत अवस्थित तो दिख पाता है, ये इसका दर्शन सही है, हम इसका अदृश्य नहीं होते, देखते रहते हैं। अगले वाला श्लोक में बताया, अगले श्लोक में सर्वभूतस्थितम जो मन भजत्येकत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितम यो जो व्यक्ति सर्वभूतस्थितम मम सर्वभूत में अवस्थित मेरे को, भगवान कह रहे सर्वभूत में अवस्थित हमको, या जो व्यक्ति सर्वभूत स्थितंगान सर्वभूत में अवस्थित हमको ही दर्शन करता है, एकत्तम अस्थित साम्य अवस्थित था किया सर्वभूते भेद ज्ञान रहित होकर रहता है, भजति भजन करते रहते प्रीति करें सर्वथा वर्तमानों की ये कोनो अवस्था में वर्तमान थकियाओ सर्वथा वर्तमान ओपी, वो सर्व अवस्था में रहते हुए भी सयोगी मई वर्तते, ये योगी समत्त बुद्धि अवलंबन करके सर्वभूत सर्वभूत में भेद ज्ञान रहित होकर परित्याग करके सर्वभूत स्थितो मुझको दर्शन करता हमको दर्शन करता है,
আমাকে দর্শন করেন, তিনি যে অবস্থায় ও জিসি অবস্থা মে হো কিউ না, জিসি ভি অবস্থা মে হো কিউ না, জি অবস্থা মে ইয়ে হর ভগত হামারা অন্দর মে রহতে হ্যায়, মুঝমেই রহতে হ্যায়, আমাতেই অবস্থান করে, সর্বভূত স্থিতম জো মাং ভজত্যে কত্তম স্থিতঃ সর্বথা বর্তমানো অপি সযোগী মহি বর্ততে, সর্বভূত স্থিতম একত্ব দর্শন করতা সমত্ব বুদ্ধি অবলম্বন, সর্বভূত মে ভেদ জ্ঞান রহিত হোকর সর্বভূত স্থিত হমকো ভজন করতে রেতে, ও যাহা ভি রহে ও মুঝমেই হ্যায়। ऐसा करके विचार हुआ, अगले श्लोक में कह रहे हैं कि आत्मोपमेन सर्वत्रो समम पश्यति जो अर्जुन सुखम बा जदि बा दुःखम सौजोगी परमो मतः, हे अर्जुन आत्मोपमेन अपना साथ তুলনা করকে যো ব্যক্তি সর্বত্র সর্বজীবময় সুখ বা যদি বা দুঃখ সমম পশ্যতি তুল্য জ্ঞান করে সযোগী পরম মত, আত্মোপমেন মানে আপনা সা তুলনা করকে, জেসে আমারা কষ্ট হতা উসকা ভি হো সকতা হ্যায়, আত্মোপমেন সর্বত্র সমম পশ্যতি সো অর্জুন সুখম বা যদি বা দুঃখম সযোগী পরম মতহ, হে অর্জুন সুখ হো ইয়া দুঃখ হো যো ব্যক্তি আত্মসদৃশ্যে সর্বত্র সমদর্শী উসি যোগী সর্বশ্রেষ্ঠ, এই মেরা নির্ণয় হ্যায়, এই মেরা বিচার হ্যায়, হে অর্জুন সুখ হো ইয়া দুঃখ হো যো ভি হো যো ব্যক্তি আত্মসদৃশ্যে আপনা মাপিক সোচতা হ্যায়, যো ব্যক্তি আত্মসদৃশ্যে সর্বত্র সমদর্শী হয়ে যাতা হ্যায়, ওই যোগী সর্বশ্রেষ্ঠ, ভগবান কে রে কি এই মেরা ফাইনাল ডিসিশন হ্যায়, সিদ্ধান্ত বিচার তো আত্মোপমেন সর্বত্র সমম পশ্যতি যো অর্জুন সুখম বা যদি বা দুঃখম সযোগী পরম মতঃ, সর্বত্র সমদর্শ প্রহ্লাদ মহারাজ কো হিরণ্যকশিপু প্রশ্ন কিয়া নৃসিংহ পুরাণ মে, প্রহ্লাদ মহারাজ কো জব হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা কিয়া শত্রু কা সাথ রাজা কা ক্যা ব্যবহার হোনি চাহিয়ে, জেসে আলেকজান্ডার পুরু কা প্রসঙ্গ আতা ইতিহাস মে, এক রাজা দূসরা রাজা কো ক্যাসে ট্রিটমেন্ট করে, कैसे नजर से देखे। अब प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया, जिज्ञासा किया, एक शत्रु का साथ राजा का के कैसा मापिक व्यवहार होनी चाहिए, प्रहलाद ने उत्तर दिया शत्रु कौन है, हर जगह विष्णु विराजमान है भगवान, शत्रु मित्र कैसे विभाग किया जाए, अर्जुन अभी प्रश्न कर रहा है भगवान को ऐसा। अभी एक बात चर्चा करना जरूरी है, दया क्या चीज है, माया क्या चीज है,
दूसरे का दुखों में विगलित हो जाना ये दया है, उसका समाधान करना यहां अर्जुन अभी प्रश्न कर रहा है, जो अयम जोगोस्तया प्रक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्वहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्जुन कह रहे हैं कि मधुसूदन तया आपके द्वारा साम्येन अयम जो योग प्रक्तः समता रूप जो योग का बारे में आप कह चुके हैं अभी, एतस्य इसका स्थिराम स्थितिम अर्थात स्थायी विद्यमानता स्टेबिलिटी देखा नहीं जाता है। चंचलत्वात् चंचलता वसत तो अहम न पश्यामि, हम देख नहीं सकते हैं मधुसूदन, तुम जो समत्व रूप योग तत्व का व्याख्या किए हैं, मन जैसा चंचल बहुत चंचल है मन, इसमें ये समत्व भाव स्थाई होना संभव कैसे है? हमको तो लगता है नहीं संभव नहीं होता। इसके बाद भगवान उत्तर दिए, ठीक बोला अर्जुन ने इतना प्रश्न किए, प्रश्न करने के बाद भगवान कह रहे हैं है ना एक्चुअली अर्जुन प्रश्न कर रहे, भगवान बाद में उत्तर करे इसका बाद। तो अर्जुन का प्रश्न है उवाचो अर्जुन है, अर्जुन कह रहे हैं कि जो अयम जोगोस्तया प्रक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्वहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अगले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धिरम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरीव सुदुष्कर। चंचलं ही मनः कृष्ण, ये मन सबसे बड़ा चंचल है, प्रमाथि बहुत इसका बल है, बलवद्धिरम और इसका निग्रह करना इसको कंट्रोलिंग करना, तस्याहम निग्रहम मन्ने हमको लगता है ये बेकार है, वायु रीव सुदुष्कर, वायु को जैसे रोका नहीं जाता है ये ऐसे ही है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रीव सुदुष्कर, वायु का मापी दुष्कर इसको कंट्रोलिंग करना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। तो भगवान कह रहे हैं ठीक आपने ठीक बताया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कंतियो वैराग्येण चागृहति। असंशय ये ठीक बात बताया, मन सबसे बड़ा चंचल है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम इसको निग्रह करना कंट्रोलिंग में लाना संभव नहीं, लेकिन संभव है अभ्यासेन तु कंतियो वैराग्येण चागृहति। हे कृष्णो मन स्वाभाविक रूप से बहुत चंचल, इंद्रियादि विपक्ष जनक महाशक्तिशाली हे कृष्णो मन स्वाभाविक बहुत चंचल और इंद्रियादि विक्षेप जनक महाशक्तिशाली विचार बुद्धि व इसको कंट्रोल में लाना संभव नहीं, यही हेतु इसीलिए मेरे को लगता है जैसे वायु को अवस्था आबद्ध स्थान में रखना जैसे दुस्साध्य उपाय नहीं, मन को वायु को जैसे एक स्थान रखना मन को भी निरत करना बहुत सुदुष्कर ऐसा भगवान कह रहे। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम लेकिन अभ्यास न तो कंजियो बैराग्य न चौ गया थी।
हे भगवान वाचो हे महावाहो मनो दुर्निरिग्रम चलम दुर्निरोध चंचल एतद असंशयम, इसमें कोई शक नहीं है। तू किंतु हे कंतियो अभ्यासेन अभ्यासेन तू कंतियो वैराग्यनो चाग्रियते। भगवान कह रहे हैं हे महावाहो वीर, मन स्वाभाविक रूप से बहुत चंचल है, बड़ा चंचल है, उसको निरोध करना दुष्कर है, इसमें कोई शक नहीं है। किंतु हे कंतियो अभ्यास और वैराग्यों के द्वारा यह वशीभूत किया जा सकता। अभ्यासेन तो कंतियो वैराग्यों चाहिए, अभ्यास अभ्यास और वैराग्य दोनों चीज का चर्चा जरूरी है। अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे अभ्यास करते चलो, तेज जो संभव नहीं वो भी संभव हो जाता। अभ्यास के बल पर सुदुसाध्य कार्य भी सुसाध्य हो जाता है। जो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं का स्वभाव में बदल जाएगा। अभ्यास की इतना ताकत है जो अभ्यास के बल के आधार पर दुस्साध्य कार्य भी सुसाध्य हो जाता है। स्वभाव जो है आज हुआ ये अभ्यास का ही फल है। एक बच्चा शिशु दो पैरों में चलने का कोशिश करे, कितना बार पदस्खलित हो पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जब 5 साल का उम्र बढ़ता है वो दौड़ना शुरू कर देता, क्योंकि वो चलना उसका अभ्यास में बदल जाता। पहले शिक्षार्थी क लिखने में बहुत दिक्कत, क ख, लेकिन बाद में द्रुत पाठ हो जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से द्रुत, पहले लिखना पढ़ना बहुत जल्दी हो जाता। शारीरिक अभ्यास का अवस्था, शारीरिक अभ्यास की अपेक्षा मानसिक अभ्यास के फल और भी ज्यादा है। शारीरिक अभ्यास तो एक्सेलेंट फल है ही है, मानसिक अभ्यास का फल और भी ज्यादा है। समझा? वैराग्य का अर्थ है, वैराग्य का अर्थ है जे तृष्णा क्षय और विषय में अनासक्ति, वैराग्य का फल अर्थ है तृष्णा क्षय और विषय में अनासक्ति। ये चित्त चांचल्य निवारण का पक्ष में वैराग्य सहायक बनता है। चित्त चांचल्य का निवारण करने में वैराग्य सहायक होता है। वैराग्य का अर्थ है तृष्णा क्षय और विषय में अनासक्ति। लेकिन जोर जबरदस्ती ये वैराग्य करने जाए तो फल उल्टा मिलता है। एक गीता में ही आएगा, जब उत्तम वस्तु दर्शन करके उत्तम वस्तु में लगन लग जाए तो स्वाभाविक घटिया विषय में मन नहीं लगता। वैराग्य का अर्थ दो ही किस्म का हो सकता है। एक है विराग, विगत राग, अर्थात विषय में बिल्कुल आकर्षण हट गया, विगत राग, वैराग, विगत राग माने हमारा आकर्षण चला गया विषय में, कोई खिंचावट नहीं है। दूसरा का माने हो सकता है विराग माने विशेष राग,
ये एक ही माने हैं, विशेष राग मतलब जब उत्तम वस्तु भगवान चरण में मन लग जाता है, विशेष अनुराग होता है, तो स्वाभाविक उसका ऑपोजिट जो है विषय में वैराग्य पैदा होता है। तो विराग का दो किस्म का अर्थ होता है, एक है विगत राग अर्थात जड़ विषय में लगन हट गया, ये वैराग्य है, और है विशेष अनुराग राग भगवत चरण में विशेष आकर्षण हुआ है, इसके द्वारा जड़ विषय फीका पड़ जाता है, ये भी हो सकता माने, ये भी माने हो सकता। अभ्यास न दुखंतियों वैराग्य न चाहती, ऐसा अगले श्लोक में कह रहा है कि असंजतात्मा आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति ही वैश्यात्मना तु सतता शक्यो शक्यो अवाप्नुम उपायतः। भगवान कह रहे हैं असंजत आत्मा, असंजत चित्त व्यक्ति जो है इसके लिए योग दुष्प्राप्य है, असंजत आत्मा जो व्यक्ति है इसके लिए योग दुष्प्राप्य है। भगवान कह रहे हैं संजत असंजत आत्मा असंजत चित्त व्यक्ति के द्वारा योग दुष्प्राप्य है, योग सिद्धि दुष्प्राप्य असंभव है, इति में मति ये मेरा मत है, किंतु तू बोला उपायतः यतता विहितु उपाय द्वारा साधने यत्नशील, अर्थात उपाय कोई वे आउट है, ये उपाय जो है विहितु उपाय के द्वारा साधन में बहुत केयरफुली चलने से वश्वात्मना संयत चित्तो व्यक्तिगतिक योगः अवाप्नुम सक्यो, जो लाभ करना कोई असंभव नहीं, कर भी सकता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जिसका चित्त संयत नहीं हो पाया इसके लिए योग दुष्प्राप्य है। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा मत है, किंतु कोई स्पेशल अरेंजमेंट विहित उपाय अवलंबन करके सतत कंटिन्यूअसली जत्न करने से केयर करने से चित्त वशीभूत हो जाता है और तभी इसके लिए भी योग हो सकता है, असंभव कुछ नहीं। ये जो रसोवर्जम रसोपास्सो परम दृष्टा निवर्तन थे, ये सब घटिया विषय में जो मन है लगन है इसका कारण है ऊंचा विषय में मन नहीं गया, मन को मन का औषधि क्या है, विषय छोड़ के मन रह नहीं सकता, चित्तवित निरोध आदि सब कुछ बताया, लेकिन जैसे साइंटिस्ट लुक ने बोला 100% वैकेंट स्पेस बनाना संभव नहीं, 99% हो सकता है, 99.9% कोई स्पेस को वैकेंट बनाना संभव नहीं, कुछ तो रहेगा इसको, इसीलिए मन को भी पूला खाली करना संभव नहीं। सभी समाधि संपर्क ज्ञात समाधि असंपर्क ज्ञात समाधि सब चर्चा किया, सब ठीक है, ये बहुत कष्ट करके हो सकता है, लेकिन मन को पूरा खाली करना असंभव है, कुछ तो रहता है, लेकिन हमारा भक्ति युग में नियम है ये मन को थोड़ा टर्निंग पॉइंट में ले जाओ, घुमा दो, अभी इसमें आकर्षण है, इससे ज़्यादा आकर्षणशील कोई वस्तु भगवत विषय में लगा दो। जैसे रामानुजाचार्य का एक शिष्य है, वो अपना बीवी का ओर देखते रहते हर वक्त, रामानुजाचार्य जी ने उसका जो दर्शन है बदल दी,
क्या नाम है उसका, वीर भूल गया, जो भी है रामानुजाचार्य ठाकुर जी भगवान का सामने लेके, भगवान का सामने इसको लेके गए। धनुर्दास भारती महाराज जी ये बात करते थे भारती महाराज जी, शिला भारती महाराज जी कहते थे धनुर्दास, धनुर्दास अपना बीबी का सौंदर्य लटूट थे, हर वक्त बीबी का सौंदर्य, और बाप जब भी रास्ते में चलते थे छत्ता पकड़ कर बीबी को ऊपर रख के पीछे, बीबी सीधा चल रहा है वो पीछे चल रहे, छाती देखते देखते पीछे हट रहा है। अंतिम में रामानुजाचार्य जी उसका दर्शन बदल दिया, रसो वर्जम रसो पास्यो परम दिष्टा निवर्तन थी, समझा। ठाकुर जी के सामने लेके गया और रामानुजाचार्य जी ने ठाकुर जी को प्रार्थना किए, ठाकुर इसका जो घटिया चीज में लगन है, आकर्षण है, आप ऐसा दर्शन दे दो जैसे इसका ये रक्त मांस का दुर्गंध दूषित सौंदर्य का दर्शन ना, इसमें लगन ना लगे। रंगनाथम रामानुजा जी का प्रार्थना से ये ऐसा दर्शन देखा हो गया, बस बस अगले दिन से उसका दर्शन छूट गया। अरे क्या देखे, देखने वाला दर्शन तो वही है। ऐसा करके दर्शन बदलना संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। बहुत सारे हमने देखे हैं महापुरुषों का सन्निध्य में, बड़े बड़े महापुरुष का सन्निध्य में बहुत बहुत एकदम लक्कड़ आदमी बदमाश, ये भी चेंज हो गया। खान पीन चेंज हो गया, चलना बैठना पूरा चेंज, बोलना सारे चेंज हो गया। हो सकता साधु संग में सब कुछ हो सकता, साधु संग सर्वसस्ते कोय लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि होय, ये असंभव कुछ नहीं है, ये संभव हर हालत में संभव है, क्यों नहीं संभव है। तो रसो वर्जम दसो पास्यो परम दृष्टा निवर्तन्ते, ये बात जरूरी है जानना। तो अभ्यास और वैराग्य का विषय में बड़ा गुप्त रहस्य है। आज जो मैं अभ्यास में लगा हूं कल ये स्वभाव में बदल जाएगा, थोड़ी सी चर्चा में समझ नहीं आए अगले दिन चर्चा हो पाएगा। तो ये जो 36 नंबर श्लोक देके आप समाप्त करेंगे आज, असंगत आत्मा योगो असंग असंगजतात्मना असंगजतात्मना अर्थात असंगजतो आत्मा आत्मना असंगजत चित्त व्यक्ति के द्वारा असंगजतात्मना योगो दुष्प्राप्यो इति मे मति। वैश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः, अगर कोई विशेष प्रोसीड्योर अवस्था अवलंबन किया जाए तो ये भी हो सकता है आगे चलकर इसका दर्शन बदल सकता है, ये कौन बोला होगा नहीं, हो भी सकता है इसका दर्शन। तो ऐसा करके हमने देखा प्रबोधानंद सरस्वती का जो श्लोक है उग्र तपस्या निषेध है, और उत्तम वस्तु दर्शन करने के बाद नीचा दर्शन अपने आप चला जाता है, इसमें अगर दिल लगे तो। रसो वर्जम रसो पास्यो परम दृष्टा निवर्तन्ति, क्रियासक्तान अधिक धिक विकट तपसो धिक च जमीन धीगोस्तु ब्रह्म हम बदन परिफुल्लान चरो मतीन किम इतानो सोचामो विषय रसमत्यानो नरो पशुनो न केसांचित लेशोपि अहोह मिलतो गौर मधुनो।
vanchakalpaturvasya kipasindu bhavaja patitanam pavana bhavishnabhyo namo namah.